तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर हमारी वेबसाइट के जो लिंक्स होते हैं, हर पोस्ट के अलग लिंक होते हैं, हर पेजेस के अलग लिंक होते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स को कैसे क्रिएट करेंगे। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, परमा लिंक। तो हम अपनी परमा लिंक की कंप्लीट सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम उसको कैसे सेट करते हैं। तो चलिए आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर लेना है, ब्राउज़र में आ जाएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट हमारे पास कैसे ओपन हो जाएगी, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि जब मैंने अपना होम पेज ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर ये लोकल होस्ट स्कूल वर्डप्रेस, ये हमारे पास क्या है, हमारा वेबसाइट का नेम है, क्योंकि अब हम अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट के ऊपर चला रहे हैं। जब हम इसको अपनी होस्टिंग और डोमेन जब ले लेंगे, तो उसके ऊपर ये वेबसाइट का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नेम आएगा। अभी हम इसको बोल देते हैं कि ये लोकल होस्ट का हमारी वेबसाइट का नेम है। हम यहाँ पर जब होम के ऊपर जाते हैं, उसके बाद जब हम अपनी अकेडमीज़ में जाते हैं, तो ये देखें ये कैटेगरी आ गई कि ये हमारे पेज की कैटेगरी है, ये अकेडमीज़ का पेज ओपन है। जब हम अपने पोस्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये हमारी पोस्ट का लिंक आ गया, ठीक है। तो हमने अपने इस लिंक को कैसे क्रिएट करना है, इसको कैसे सेट करना है, हम तमाम लिंक्स के ऊपर सेट कर सकते हैं। मतलब सबकी सेटिंग करेंगे तो सबकी सेम सेटिंग होगी। तो हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद अपनी ये सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपको परमा लिंक्स, आप इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमने अपनी परमा लिंक की पूरी सेटिंग को क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्लेन का। प्लेन में कि आपका शुरू में आपकी वेबसाइट का नेम होगा, आगे कोई ना कोई आपकी पोस्ट का कोड हो जाएगा, जैसे ये पी का मतलब पोस्ट, और आगे वो खुद से कोई ना कोई कोड असाइन कर देगा, ठीक है। तो जब अगर हम इसको सेट करते हैं, सेट करने के बाद मैं इसको सेव चेंजेस करता हूं, तो यहां पर मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको मैं कर देता हूं रिफ़्रेश। अब ये देखें वो कह रहा है कि यूआरएल ये आपका है ही नहीं। हम यहां पर होम पे चले जाते हैं। होम पे जाने के बाद जब मैं अकेडमीज़ में जाता हूं, तो यहां पर देखें ये उसने आपकी कैटेगरीज़ को अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई कोड दे दिया है। मैं इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखें ये पोस्ट का भी कोई ना कोई उसने कोड जनरेट कर दिया है। तो इस तरह आपके तमाम वेबसाइट के, तमाम आर्टिकल के, तमाम पेजेस के, तमाम कैटेगरीज़ के उसने कोई से कोई प्लेन कोड जनरेट कर दिए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट के ऊपर ये मंथ, ये आपका मंथ, ये और आपकी डेट आ जाएगी कि आपने किस डेट को अपनी पोस्ट को क्रिएट किया था, पोस्ट को पब्लिश किया था, और आगे ये पोस्ट का नाम आ जाएगा। इसी तरह अगर मंथ एंड नेम से करेंगे तो ये आपका ईयर, ये मंथ, और ये आपका पोस्ट आ जाएगा। न्यूमेरिक से करेंगे तो आपका कोई ना कोई आर्चीव और कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। पोस्ट नेम पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पोस्ट का नेम आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है, एक प्लेन होता है और एक पोस्ट नेम होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि प्लेन क्यों करो, क्योंकि प्लेन में जब हम अपनी वेबसाइट को अपनी होस्टिंग या डोमेन के ऊपर अपलोड करते हैं ओरिजिनल लेकर, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी होस्टिंग के ऊपर आपकी वेबसाइट का यूआरएल जल्दी से पब्लिश होके यूज़र के सामने जल्दी आता है। तो उससे, क्योंकि कोड से आपका पेज जल्दी ओपन होके आएगा, तो आप पहले प्लेन के ऊपर कर लीजिएगा जब आपकी वेबसाइट होस्टिंग या डोमेन पे पोस्ट हो जाए, बाद में आप अपनी मर्ज़ी के परमालिंक्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऑथर का नेम लिख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी लिख सकते हैं, आप ऐसे करके इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। आप पोस्ट का नेम क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पोस्ट का नेम लिखेंगे तो वो पोस्ट का नेम चेंज हो जाएगा। कैटेगरीज देना चाहें तो कैटेगरीज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कस्टम यूआरएल भी क्रिएट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।